Hello everyone, let's design the PDF for this language. This is WCW reverse, where W is the element of A and B, and plus का मीनिंग है यहाँ पे कि कम से कम एक ए बी तो होगा. सो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक W है जो कि स्ट्रिंग है A डबल B, इसके बाद एक सी आएगा और इसका जो रिवर्स होगा दैट विल बी डबल बी ए. तो इसमें क्या करना होगा, अगर आप ऐसा एक्सेप्ट कराना चाहते हैं लैंग्वेज को पीडीए के थ्रू, तो आप एक जेड जीरो ले लीजिए. जब तक सी ना आए तब तक स्टैक में आप सिंबल्स को पुश करते रहिए, और जैसे सी आए उसके नेक्स्ट से जो भी सिंबल्स आपके पास आए तो आपको मैच करा लीजिए कि क्या वो सेम सिंबल है स्टैक के टॉप पे जो था. अगर है ऐसा तो पॉप कर दीजिए. फिर मुझे नेक्स्ट सिंबल बी मिला, स्टैक के टॉप से मैच करता है इसको पॉप कर दीजिए. फिर नेक्स्ट सिंबल मुझे ए मिला, स्टैक के टॉप से ये मैच करता है इसलिए इसको पॉप कर दीजिए. फिर मुझे एप्सिलॉन मिलेगा और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो होगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा. ओके, तो दिस वे यू आर इंश्योरिंग दैट दिस बी इज मैचिंग विद दिस बी, दिस बी इज मैचिंग विद दिस बी, एंड दिस ए इज मैचिंग विद दिस ए. सो द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड द रिवर्स स्ट्रिंग, एंड बीच में एक सी आया है जो कि सेपरेटर है या सेंटर है, जहां से आपको ये डिसाइड करना है कि उल्टी स्ट्रिंग शुरू हो गई है, अब आपको ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए. तो इसके लिए पीडीए डिजाइन करते हैं. सो वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट, और क्यू जीरो स्टेट पे ए आया स्टैक के टॉप पे. अगर जेड जीरो है तो मैंने ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर दिया. अगर स्टार्टिंग में बी आता है तो भी हम पुश ही करेंगे. तो बी मेरा इनपुट सिंबल है, जेड जीरो टॉप ऑफ स्टैक है, तो मैं जेड जीरो को पुश कर देता हूँ स्टैक पे. तो चाहे ए आए चाहे बी आए, मैंने पुश कर दिया. ओके, अब इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास सिंबल ए आता है और स्टैक के टॉप पे ए है, तो भी आप पुश कर दीजिए. इनपुट सिंबल ए आता है और स्टैक के टॉप पे बी है, तो भी आप स्टैक को पे पुश कर दीजिए. सिमिलरली अगर बी सिंबल आपके पास आता है, स्टैक के टॉप पे ए है, तो इसको पुश कर दीजिए. बी सिंबल आता है और स्टैक के टॉप पे बी है, तो भी आप इसको पुश कर दीजिए. इसका मतलब क्या है कि आप पुश कर रहे हैं इन एनी केस सी अगर नहीं आया है, तो जैसे सी आएगा पॉप करना स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स से सी मेरे पास सिंबल आया, स्टैक के टॉप पे ए हुआ, तो मैंने इसको ए ही छोड़ दिया और आगे चले गए. इसी तरह से अगर मुझे सी मिला, स्टैक के टॉप पे बी था, तो मैं उसको बी ही छोड़ के आगे चला जा रहा हूँ क्यू वन स्टेट में. नाउ एट द क्यू वन स्टेट, इन द क्यू वन स्टेट अगर आपको ए मिलता है इनपुट सिंबल की तरह से और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी ए मिलता है, तो आप इसको पॉप कर दीजिए. सिमिलरली बी आता है आपका इनपुट सिंबल में और स्टैक के टॉप में भी बी है, तो इसको पॉप कर दीजिए. तो अगर मैचिंग होगी तो ये पॉप होंगे, मिसमैच नहीं होना चाहिए. इसके बाद अगर आपको एप्सिलॉन दिखता है इनपुट सिंबल में और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है, तो इसको जेड जीरो ही छोड़ दीजिए और फाइनल स्टेट क्यू एफ में मूव कर जाइए. नो यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि जो पॉप ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सिंबल के मैच होने पे ही हो रहे हैं. अगर सिंबल मैच नहीं हो रहा है तो पॉप नहीं हो रहा है. तो अगर सिंबल मैच नहीं होंगे तो हम कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचेंगे. सो डब्लू और डब्लू का रिवर्स मैच होना चाहिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तभी हम ये डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये जो गिवन लैंग्वेज है वो गिवन लैंग्वेज की कोई स्ट्रिंग इस पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई. सो दिस इज अ वेरी सिंपल example of something which can be said to be the palindrome. And ये जो palindrome है वो odd length का palindrome है. So अगर आपसे ये कहा जाए कि ये odd length का palindrome है जिसमें center point defined है, center point C, तो आप इसके लिए एक PDA design कर सकते हैं जो कि deterministic PDA होगा. Deterministic PDA का मतलब है कि आपको पता है कि किस सिंबल के साथ कौन सा मूव आपको करना है.
So thanks for watching this. We will take more examples on the PDA in the subsequent lectures.